बागेश्वर में सावन के दूसरे सोमवार को मनोहारी तस्वीरें देखने को मिली है। यहाँ पर भगवान ओंकारेश्वर ने बारिश के बीच चुनाव का विहार किया। भगवान ओंकारेश्वर की सवारी में जमकर गुलाल उड़ा। ओंकारेश्वर भगवान का महाश्रृंगार कर 8 क्विंटल मिठाई का भोग लगाया गया। मिठाई का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया और इसी दौरान ढोल नगाड़े के साथ ही फूलों से सजी पालकी में भगवान ओंकारेश्वर निकले। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली। बाबा महाकाल ने पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन दिए और इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने भगवान महाकाल की पालकी का सभा मंडप में पूजन अभिषेक किया, पालकी को रवाना किया गया। खास बात ये रही कि भोपाल से आए 350 पुलिस बैंड ने भी अपनी मधुर धुनों से इस सवारी में रंग भर दिया। पारंपरिक नौ भजन मंडलियाँ और जांज डमरू दल भी सवारी में शामिल हुआ। और अब बात उज्जैन की, जहां सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी में पालकी उठाते समय कहार को आया पैरालिसिस का अटैक, जिसके बाद आनंद में कहार को अस्पताल पहुंचाया गया। इस वीडियो में देखिए कैसे लोग मरीज की मदद कर रहे हैं। गरियाबंद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सावन के सोमवार को फणिकेश्वर नाथ महादेव की पालकी यात्रा निकाली गई। फणिकेश्वर में भव्य तरीके से शाही सवारी निकली। यात्रा में डमरू बजाने वाले भी शामिल थे, जो लोगों की आकर्षण का केंद्र थे। बाबा की महाआरती में हजारों लोग शामिल हुए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।